हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज अगर आप झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं एवं उसमें क्या-क्या नियमावली में संशोधन किया गया है और आपको किस प्रकार लगभग 5 वर्ष का उम्र में छूट दी जाएगी, पूरा वीडियो को बिना किसी स्किप के देखिए और आप जानिए कि सिपाही बनने के लिए जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वह कैसे होगा, एग्ज़ाम कब तक निकलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी होगी। तमाम ए टू जेड जानकारी के लिए वीडियो को बिना किसी स्किप के अवश्य देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि झारखंड पुलिस भर्ती नियमावली में किया गया है संशोधन। सिपाही बनने के लिए दिसंबर में युवा पहले दौड़ेंगे फिर देंगे लिखित परीक्षा। अर्थात शब्द की गहराई यही बोलते हैं दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली दिसंबर तक यह वैकेंसी आने वाली है। अगर आपको इससे रिलेटेड ए टू जेड जानकारी चाहिए तो आप बीके गूगल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, कितने पदों पर यह वैकेंसी होगी एवं किस आधार पे यह पेपर में आपको यह दिया गया है। तो झारखंड में कुल 13,000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर ली जाएगी, जिसका लेकर गृह विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नेक्स्ट, दिसंबर माह में भर्ती के योग्य युवा पहले दौड़, अर्थात अब नियमावली चेंज हो चुकी है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं कि पहले दौड़ होगा फिर लिखित परीक्षा देना होगा, लेकिन जो एग्जाम लेगा वह अभी भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। इसका जो विभाग है वह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। छठ पूजा के बाद इसकी अधियाचना भेजने की सूचना है। आप यहां देख सकते हैं कि छठ पूजा के बाद इसकी अधियाचना जेएसएससी को भेज दी जाएगी। बात करते हैं प्रोसेस की, तो सिपाही भर्ती के लिए अब सबसे पहले शारीरिक परीक्षा ली जाएगी फिर लिखित परीक्षा ली जाएगी, और इसका लेकर कैबिनेट में अप्रूवल भी मिल चुका है दोस्तों। सरकार ने झारखंड पुलिस भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। इससे पहले दिसंबर 2021 को ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सिपाही भर्ती के नियमों में सरकार बदलाव करेगी। सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा होगी उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। उन्होंने यह भी कहा है दोस्तों कि पहले की सरकार में पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार नियमों को बदलेगी, अर्थात अब जो मेरिट बनेगा दोस्तों मेरे अंदाज से वह मेरिट मेडिकल फिजिकल के आधार पर बनने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पद अभी तक खाली है दोस्तों। इससे रिलेटेड तमाम जानकारी के लिए, आगे आने वाली तमाम जानकारी के लिए आप बीके गूगल चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी प्रकार का क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। गृह विभाग ने लगभग 20,000 पद खाली, अभ्यर्थियों की पात्रता भी हो चुकी है तय, अर्थात 20,000 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं वर्तमान में गृह विभाग लगभग 20,000 सिपाही के पद खाली है, ऐसे में 13,000 पदों पर भर्ती होने की सूचना पुलिस विभाग को काफ़ी राहत मिलेगी। अर्थात 13,000 पद पर लगभग पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयार हो जाए। नई नियमावली में इसकी नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वह मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और इंटरमीडिएट होना अत्यंत आवश्यक है, और आवेदक को स्थानीय रीति रिवाज का जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसका विश्लेषण समझते हैं दोस्तों। हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट किया है कि छठ के बाद लगभग 13,000 पदों पर यह वैकेंसी होगी झारखंड पुलिस की, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10th पास चाहिए दोस्तों। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं, 10th 12th जो भी हो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता जो होगा वह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात झारखंड राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान से, किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं, एवं स्थानीय रीति रिवाज का जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात परीक्षा जो होगा वह परीक्षा स्थानीय रीति रिवाज का भी होगा, अर्थात स्थानीय भाषा का भी होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों बीके गूगल के द्वारा दी गई यह जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर यह जानकारी इंपॉर्टेंट लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।